नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर। यूपी के बलिया जनपद के रस्सा में प्रदेश सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में शनिवार को जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारम्भ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगरौत एवं पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ द्वारा संयुक्त रूप से माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी श्री खंगरौत ने कहा कि महिला शक्ति की स्रोत होती है, जिसकी ऊर्जा से पूरा समाज पुष्पित एवं पल्लवित होता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में आदिकाल से नारी शक्ति स्वरूपा मानी जाती रही है, जो माँ दुर्गा काली आदि के रूप में समूचे मानव जाति की सुरक्षा करती है। किंतु यह दुखद बात है कि आज के परिवेश में बालिका और नारी समाज की सुरक्षा पर चर्चा करने की जरूरत पड़ गई है, किंतु इसमें बालिकाओं और महिलाओं को अपने शक्ति का एहसास कर अपने अंदर आत्मबल आत्म सुरक्षा को प्रबल करना होगा। समय पड़ने पर बेहिचक पुलिस प्रशासन के डायल 100-181-10-90 हेल्पलाइन पर प्रयोग करना चाहिए। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में स्पष्ट कहा गया है कि जहां नारी की पूजा व सम्मान होता है, वहीं समाज सुखी एवं समृद्ध होता है। नारी सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि बालिकाओं को घर से स्कूल बाजार जाते समय अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए तथा पुरुष वर्ग के किसी भी अप्रिय घटना पर ऑलपिन मिर्ची पाउडर आदि का प्रयोग व शोर मचाना चाहिए। वहीं इसकी जानकारी माता पिता गुरुजन के साथ पुलिस सहायता नंबर पर देनी चाहिए। इस मौके पर SDM ADM विपिन कुमार जैन, क्षेत्र अधिकारी KP सिंह, SI धर्मेंद्र सिंह, कोतवाल ज्ञानेश्वर मिश्रा, सिटी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, अर्जुन जायसवाल, प्रधानाचार्य रामार सिंह आदि ने विचार व्यक्त किया। संचालन घनश्याम सिंह एवं शशिकांत राय ने किया। समाचार टीचैट के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बलिया जनपद के जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में आज जो है बच्चियों को जो है सुरक्षा के तहत जो है जिला अधिकारी भवानी सिंह खंगरौत और SP देवेंद्रनाथ दुबे द्वारा जो है आज जो है बच्चियों को सुरक्षा के अभियान देंगे। उसी में एक बिटिया ऐसी है जो बलिया जनपद के कृतिका सिंह द्वारा जो है अपने भाव प्रस्तुत किया जा रहा है, हम देखना चाहेंगे और समाचार ATU के माध्यम से देश के बेटियों को संदेश देना चाहेंगे। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। आंसुओं के धार के समक्ष घुटने न टेक, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आप पड़े तो बख्श पैरियों का चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। सर, आज ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बच्चियों को जो है अभियान के माध्यम से जो है जागरूक किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे देश के बेटियों को? सर, आज इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत पुलिस की तरफ से जितने महिला सरकार 10-90 UP 100 उनके बारे में बताया गया तथा उन्होंने कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे चीज़ों को बताना है। इसके साथ साथ उन्हें व्हाट्सएप आग के प्रयोग के बारे में भी बताया गया कि किन चीज़ की सावधानी रखें। सारी चीज़ों पर बच्चियों ने बड़ी सावधानी से सुना और हम समझते हैं यह अभियान एक महाअभियान के रूप में होगा और लोग जागरूक हो जाएंगे। क्या दरअसल तहसील में आप आए हुए दोनों लोग सर, और ऐसे में जो है पूरा माह जो है नारी सुरक्षा अभियान चल रहा है, ऐसे में क्या पूरे जनपद वासियों को क्या बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सभी लोग पूरे एक माह तक ये कार्यक्रम चला रहे हैं। सभी थानों को निर्देश दिया गया, सभी विभागों को सहयोग दिया गया, जितने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए, उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने विभाग, सबके सहयोग से कार्यक्रम सभी संस्थाओं में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि बालिका शिक्षा, बालिका सुरक्षा, बालिकाओं के हितों से जुड़े हुए जितने विषय हैं उनको जन आंदोलन का रूप दिया और वो सीधे बालिकाओं के बीच में जाकर के सीधे बालिकाओं से बात की जाए, उनके मन की बात सुनी जाए और उनको सरकार के मन की बात। इस अभियान के तहत कहीं ना कहीं सर बच्चियों में आज बहुत जागरूकता दिखी और काफ़ी देर तक आपका इंतजार भी किए और काफ़ी आपकी बातों को बारीकी से सुनी, तो कहीं ना कहीं जो बच्चियों का इस पर जो असर पड़ेगा? सर, असर मुझे लगता है कि ये असर नहीं, इसका महा असर पड़ेगा और ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। अगर आपने नोट किया हो तो बच्चियों में जो आत्मविश्वास, वो एक पुनर्जागरण की ओर है। मुझे लग रहा है इस अभियान के माध्यम से समाज का, इस संस्कृति का पुनर्जागरण होने जा रहा है और ये जो समाज शुरू से स्त्री प्रधान रहा है, जहाँ इसमें स्त्री देवी रही है, स्त्री शक्ति का स्रोत रही है, पुनः मुझे लगता है इस अभियान के माध्यम से समाज उस स्तर पर। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।